वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको हमारा जो भी हमें जो रूम अलर्ट हुआ है अभी कॉलेज में, मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ और कैसा रहता है मेरा रूम मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा रूम, रूम नंबर 4। और चलिए अंदर क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलता है, मैं पूरा हॉस्टल आपको दिखाऊँगी इस वीडियो में। तो बने रहना और मेरी हॉस्टल लाइफ की ब्लॉग आती रहेगी तो देखते रहना। और यहाँ पर बहुत मस्त हवा चल रही है अभी, तो चलिए देखते हैं मेरे रूम में क्या क्या सब कुछ है। हमारा प्यारा सा रूम, चलो अब हम अंदर चलते हैं रूम के अंदर। मेरे रूममेट्स अंदर हैं पर दिखाई कोई नहीं दे रहा है। और एंटर होते ही हमारा सोफ़ा दिखता है और छोटा सा सोफ़ा। मैं लाइट ऑन करती हूँ, फ़ैन और लाइट है तो सब ऑन कर दिया है मैंने। तो एंटर होते ही ना ये एक सोफ़ा है और यहाँ पर ना मेरे रूममेट का लगेज है। और हमें मिला है ये प्यारा सा फ्रिज, छोटा सा फ्रिज है। तो इसके अंदर चॉकलेट, मेरा चॉकलेट है, दूध है और कुछ कुछ चीज़ें, नारियल की लड्डू और अंदर आइस है, बटर है। हम ज़्यादा कुछ इसमें रखते नहीं हैं। और नीचे बर्तन सारे हैं, सबका यहाँ पर ही हमने रख लिया है। और नीचे थोड़ा ग्रॉसरी है, इसे हम इग्नोर करते हैं, बहुत गंदा है। नीचे आलू प्याज भी है। और यहाँ पर हमें एक स्टडी टेबल मिला है, मतलब हम 4 लोग रह रहे हैं और उसके लिए हमें एक ही स्टडी टेबल मिला है जो कि खाना बनाने में हमें यूज़ होता है पर हम पढ़ाई में यूज़ नहीं करते। और ये मेरे रूममेट्स का लैपटॉप, टैब और मेरा टैब। और इधर कुछ कुछ रूममेट्स का चीज़ें हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। और ये कुछ बुक्स और ये मेरा ड्रेस वगैरह है इसमें। और 2 पैकेट चिप्स है, कुरकुरे और लेस। और नीचे में मेरे रूममेट्स का ड्रेस और यहाँ पर कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं। और यहाँ पर ग्लास और हम यहाँ पर पूजा करते हैं गणेश जी का। ये ना मेरे रूममेट का एक क्यूट सा लाइट लैम्प है। ओके, इसका चार्ज ख़त्म हो गया है। ओके, ये ना मैं कॉलेज से उठा के लाई थी, कहीं पर मुझे मिल गया था। और यहाँ पर हम ब्रश और बहुत सारी चीज़ें रखे हैं। ये आलू चिप्स हैं और क्या, ये बॉटल हमने कॉफ़ी पिया था, कोल्ड कॉफ़ी उसका है। मेरा कीचेन और यहाँ हम नमक रखते हैं, ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट। और यहाँ पर हम जलजीरा भी रखते हैं। और यहाँ पर मेरा मेडिसिन वगैरह है और ये मेरे रूममेट का मेडिसिन है। और यहाँ 3 वाइपर है। यहाँ पर मेरे रूममेट का कुछ कुछ ड्रेसेस वगैरह है, क्योंकि हमें कोई भी ड्रेस रखने के लिए जगह नहीं है तो हम ऐसे ही रखते हैं। वहाँ पर मैं रखती हूँ रेड ड्रेस और यहाँ पर मेरे रूममेट का। और ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था कुछ चीज़ें, वहाँ पर रख दिया है। हमें टीवी मिला है, हमें यहाँ पर टीवी मिला है पर चलता नहीं है, कनेक्शन कट कर दिया है। और ऊपर एक क्लॉक भी है पर यह भी नहीं चलता है, उसका भी क्या बोलूँ, छोड़ो। और ये हमारा बड़ा सा बेड है और ये मेरा बेड सेट है, बहुत कलेक्शन बहुत सुंदर है ना, मुझे बहुत पसंद है ये। और ऊपर यहाँ पर हमने रस्सी लगाया है क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होता है। और बीच में मैं सोती हूँ, दोनों तरफ 2 रूममेट और और एक रूममेट कहाँ सोती है पता नहीं। और हमें ड्रेसिंग टेबल भी मिला है यहाँ पर। मेरे रूममेट्स आ जाएंगे, हाय पिंक पिंक। ओके, जो भी ड्रेसिंग टेबल मिला है ऊपर में एक रूममेट का है, ये दूसरे रूममेट का है और ये मेरा है और ये तीसरे रूममेट का है। हाँ हो गया। और वॉच है और बहुत कुछ चीज़ें हैं। और एक रूममेट यहाँ पर अपना ड्रेस रखती है जो कि बहुत दिक्कत
दिक्कत भरी बात है, क्योंकि इतनी से जगह में तो कुछ जगह ही नहीं होता है, फिर भी हम रखते हैं। और यहाँ सबका कॉम है, और वो पेन लेके आई थी एक डिब्बा। ऐसा हमारा प्यारा सा सोफ़ा है, हम ज़्यादातर यहीं पर रहते हैं, बैठते हैं। और यहाँ पर मेरा लॉगेज है, हाँ नीचे मैं यहाँ पर लॉगेज भी रखा है। ये मेरा लॉगेज है और ये रूममेट का लॉगेज है। और यहाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं, नीचे हील्स वगैरह हमने रख दिया है। और इसके पीछे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सत्तू, ग्लूकोज और पोहा और शुगर, ऐसा कुछ। और ये ना मेरा नोटबुक है, मैंने क्लासमेट का नोटबुक ऑर्डर किया था, मैंने अभी यूज़ नहीं किया है क्योंकि अभी अभी कॉलेज में आई हूँ तो अभी ज़रूरत नहीं हुआ है, तो बाद में यूज़ करूँगी। और नीचे हम बहुत सारे बॉटल भी रखे हैं वहाँ पर मेरे रूममेट्स का, मेरा, सबका बॉटल है। हम इंडियन है तो इंडियन का जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो इसी से पता चलता है। हम बहुत सारे पलथीन वगैरह यहाँ पर रखे हैं। और ये मेरे रूममेट का पिंक वाला छाता, और हमने मंगाया था ये ये ह्यूमन एनाटॉमी का 2 सेट, मुझे बहुत ही पसंद है ये। यहाँ पर ना मेरे रूममेट का सत्तू का कस्तूरी सत्तू है, पर उसके साथ स्कैम हो गया, वो चॉकलेट वाला ऑर्डर की थी पर उसको कुछ और ही मिल गया, पर चलो उससे काम चला लेंगे। और ये मेरे रूममेट का बैग है, ये भी उसी का बैग है, और ये वाला मेरा बैग है। हाँ मुझे पता है ये मेरे बेडशीट के साथ ओके छोड़ो। और वो वाला मेरे रूममेट का है, और वो वाला भी मेरे रूममेट का है। ऐसा कुछ दिखता है हमारा प्यारा सा रूम। और यहाँ पर मेरा लॉगेज है एक, और यहाँ पर हम केटल ऐसे धो के रखे हैं, और यहाँ पर झाड़ू है, और यहाँ हम जो भी चीज़ें धोना होता है हम यहाँ ही फेंक देते हैं। और ये हमारा प्यारा सा वॉशरूम है, वॉशरूम भी अच्छा है यहाँ पर, बड़ा सा वॉशरूम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, बहुत अच्छा वॉशरूम है, गंदा तो नहीं है। ओके यहाँ पर सब कुछ चलता है, मैं लाइट लगा के दिखाती हूँ, लाइट फैन सब कुछ चलता है, बस साउंड बहुत करता है इसलिए हम बंद करके रखते हैं। और यहाँ पर मेरे रूममेट्स का मेरा सब कुछ है, ऐसा कुछ है हमारा वॉशरूम। ज़्यादातर लड़कियाँ हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती हैं। बाय बाय। तो वॉशरूम हो गया, अब हम चलते हैं कुछ और देखने। हमें एसी भी मिला है यहाँ पर ये चलता नहीं है, कनेक्शन कट कर दिया है उन लोगों ने। और ड्रेसिंग टेबल का लुक कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। और ड्रेसिंग टेबल के नीचे भी हम कुछ कुछ स्लीपर हील वगैरह है हमारा। ओके तो ये एक सेकेंड, वो क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बिहारी एक्सेंट में, बालकुनी है। और यहाँ पर मेरा बेडशीट सूख रही है अभी। ऐसा कुछ दिखता है हमारे बालकुनी से। ये G7 बिल्डिंग है, और वहाँ पर ना ऐसे जाएंगे तो मेस पड़ेगा। ऐसा कुछ नज़ारा होता है यहाँ पर, बहुत सुंदर लगता है। अभी तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, कभी मैं शूट करके दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितना अच्छा व्यू मिलता है। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम है, बहुत अच्छा रूम है यहाँ पर, और हवा भी बहुत अच्छा देता है यहाँ पर। नीचे कुछ कुछ लगा है अभी, पर आगे जो पेड़ है वो बड़े हो गए हैं, अभी यहाँ पर न्यू पेड़ लगा है तो उन्हें होने में थोड़ा टाइम लगेगा बड़ा होने में। हेलो, ये मेरी प्यारी सी रूममेट है। हाय।
ओके अपना इंट्रोडक्शन दो, कौन हो आप? इंसान। ओके बोलो अपना नाम बोलो। मेरा नाम प्रकृति राउत है। हाँ मैं फर्स्ट ईयर बीपीटी स्टूडेंट हूँ और इसका बहुत प्यारी दोस्त, प्यारी दोस्त रूममेट, मेरी प्यारी सी रूममेट है। कौन सी वाली है मुझे पता नहीं है, एक दो तीन चार, चार लोग हैं इसमें, तीन रूममेट है, मैं खुद एक रूममेट किसी और का हूँ। तो मैं कैसी लगती हूँ आपको, कैसी लगती हूँ कम्मो जी? पूरा कम्मो की तरह। तो ये लोग हैं मेरे रूममेट, मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से दो रूममेट। आपका नाम बताइए प्लीज। प्रज्ञा गाइस। हाँ ये आप बताइए आपका नाम। प्रकृति। नेचर, प्रकृति हम बुलाते ही नहीं है, नेचर सही नाम है इसके लिए। और हमारी ब्लॉगर गाइस, हमारे रूम की इकलौती ब्लॉगर। और मैं हूँ सोनू। ओके ओह माय गॉड, इसको भर भर के सब्सक्राइबर्स और लाइक। हाँ भर भर के देना। ये मेरे प्यारे से दो दो रूममेट अनमोल रतन। शांति। इतने में ही खत्म करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। बहुत क्यूट है गाइस, बहुत क्यूट, क्यूट सी हमारी ब्लॉगर, अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाती है, बस अपलोड नहीं करती है गाइस। इसको बोलो अपलोड करे क्योंकि सब्सक्राइब नहीं आती है, ताकि हमें ट्रीट मिल जाए। ओके अब से करूँगी। बाय गाइस, इसको पिज्जा चाहिए, अगर कोई पिज्जा भेज सकते हो तो भेज देना इसके लिए, और मिला देना चिकन पिज्जा। और एड्रेस है निपमेड, बस निपमेड में भेज देना। ओके बाय। और ऐसे यहाँ से रूम नंबर 4 से निकलेंगे तो यहाँ पर कॉरिडर है, बहुत ही बड़ा वाला कॉरिडर है। 3 नंबर वाले रूम में कोई नहीं रहता है, वो कबाड़ है और सिर्फ हम ही रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ कुछ कुछ कपड़े हैं और यहाँ से भी व्यू बहुत ही मस्त है, एक रिजॉर्ट में रहने के तरह लगता है, मतलब बहुत सुंदर है यहाँ पर व्यू। और नीचे भी बहुत सारे पेड़ लगा है और वहाँ पर ना एक छोटा सा मंदिर भी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। हॉस्टल में, हमारा हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ हवा भी आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना मस्त हवा देता है यहाँ पर। और एक प्रॉब्लम है कि कौवा हमेशा काव 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 करता ही रहता है, ये आपको सुनने की आदत बनानी होगी यहाँ पर आओगे तो। फिर ये और एक बड़ा सा कॉरिडर है, रुको मैं अपना पिंक वाला चप्पल पहन के चलती हूँ। यहाँ ये ख़राब हो गया है क्यों पता नहीं, ये इसे टूट गया है तो यहाँ पर फेंक दिया है पता नहीं क्यों। और हमें लिफ्ट भी मिला है और ये रूम नंबर 2 या समथिंग कुछ है यहाँ पर ये हमेशा लॉक ही रहता है, ऐसा कुछ दिखता है हमारा रूम, वहाँ पर हमारा रूम है। और हमें ये भी मिला है लिफ्ट, देखो हाय लिफ्ट कुछ ऐसा ही है। ये गेस्ट हाउस है तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही है, ये हम वहाँ से ऐसे निकल के आएंगे, यहाँ पर पोछा है, कॉमन पोछा इसे बोलते हैं। ओके तो ये रूम नंबर 5 है, पर यहाँ जो बच्चे रहते हैं वो गए हैं घूमने के लिए। और ये रूम नंबर 6 है, वहाँ अंदर है लोग, मैं आपको कभी मतलब बाद में कभी दिखाऊंगी। और ये दूसरा व्यू है यहाँ से, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर। और ये रूम नंबर 7 और रूम नंबर 8, इतना ही है। और एक रूम में 3-4 लोगों को देते हैं रहने के लिए, ज़्यादातर तो 4 ही लोग रहते हैं और 4 से ज़्यादा नहीं देते हैं। नीचे थोड़ा गार्डन वगैरह है तो अच्छा लगता है यहाँ पर एक ही चीज़ का दिक्कत है कि कौवा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा है, पीपल नीम समथिंग ऐसा सारे पेड़ ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। नहीं तो यहाँ का व्यू भी बहुत ही मस्त है, आप देख सकते हो। ओके अब हम नीचे चलते हैं, नीचे क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ।
लो अब लिफ्ट को ऊपर कर देते हैं। हम लिफ्ट में आ गए, अब जीरो पे चलते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं। थैंक गॉड ऊपर फैन चल रहा है। हम पहुंचने वाले हैं। ओके, तो नीचे पहुंच गई मैं। हमारा नीचे का हॉल कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पर सोफ़ा है और यहाँ ना जो भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए ये है। ये सब, ये रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 ना जो भी पेशेंट आते हैं उन पेशेंट के लिए होता है। और यहाँ पर स्टेयर भी है पर हम ज़्यादातर लिफ्ट का यूज़ करते हैं। और यहाँ एक कॉमन डाइनिंग हॉल है, आपको मैं दिखाती हूँ। और यहाँ से ना हम वाटर वगैरह लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मिरर्स लगे हैं, बेसिन है। और ये है हम। ओके, तो मैं लाइट लगा के दिखाती हूँ आपको, कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। ओके, हाय, कुछ ऐसा है। ऊपर एक लगा है, यहाँ पर मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकती। और यहाँ कॉमन डाइनिंग हॉल है तो हम यहाँ कभी कभी आ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ओके, मैं अब बंद कर देती हूँ इसे, नहीं तो मुझे मार पड़ेगा। ओके, तो ऐसा कुछ है। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर है यहाँ सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर भी एक टीवी है। यहाँ पर तो ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है, बट अभी कहाँ पर गए हैं पता नहीं। अभी ना शाम हो रहा है, मतलब 4 बज गया है, तो कहाँ सब गए हैं पता नहीं। ये है हमारा हॉस्टल का बाहर का नज़ारा, कुछ ऐसा है। और वहाँ पर हमारा कॉलेज है, मतलब क्लासेस वगैरह होता है वहाँ पर। हम बस चल के जाते हैं यहाँ से वहाँ, बहुत ही पास है हमारा कॉलेज। हम तो 9 बजे होता है, हम 8:55 पे ही यहाँ से निकलते हैं। ये है गेस्ट हाउस जहाँ पर हमें रूम मिला है अभी रहने के लिए। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है पर अभी ये हमारा परमानेंट एड्रेस तो नहीं है। बाद में चेंज करके हॉस्टल भेजेंगे, वो एक रुचि हॉस्टल नाम का हॉस्टल है, मतलब गवर्नमेंट का ही है, इसी कॉलेज का है। पर कैंपस से बाहर है हॉस्टल और ये कैंपस के अंदर का चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ नीचे ना बैठने के लिए भी एक है। मुझे तो यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और आगे ना मंदिर मैं दिखाने वाली थी आपको, दिखाती हूँ अभी। यहाँ पर मंदिर भी है, वेट, छोटा सा मंदिर है गणेश जी का, पर बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। मैं अंदर जाके दिखाती हूँ, रुकिए। और वहाँ पर ना वो क्वार्टर है, डायरेक्टर क्वार्टर, तो हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, हमें मना है। और ये है हमारा छोटू सा मंदिर और वहाँ पर गणेश जी है। नमस्ते। ओके, तो बहुत ही सुंदर सा छोटू सा मंदिर है और यहाँ हर दिन ऐसे सब पूजा करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम। ऐसा एक बड़ा सा लंबा सा रास्ता है, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ और चलते जाओ। और वहाँ पर भी फील्ड है और यहाँ ना बहुत सारे स्क्वायरल हैं। ओके, तो यहाँ ना मोर भी है, मतलब पिकक 2 या 3 है मोर। और ऐसे हम चलते जाते हैं यहाँ। वहाँ ना G7 बिल्डिंग है, वहाँ पर क्लासेस होता है। पर इस तरफ का बिल्डिंग क्या होता है हमें पता नहीं है अभी। ये हमारा गेस्ट हाउस है, कुछ ऐसा दिखता है दूर से। ओके, तो वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त भी बैठे हैं वहाँ पेड़ के नीचे। ये हमारा कैंपस है और वहाँ पर कभी कभी सीनियर्स खेलते हैं। वहाँ 2 बैठे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी अंकल बैठे हैं। हाय,
मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। ओके आपका इंट्रोडक्शन। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। माय नेम इज रूपांजना शॉर्टकट। आई एम बीपीटी स्टूडेंट। बीपीटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मैं क्या आपका रैगिंग ले रही हूँ? और आपका? मैं कीर्ति सुमन, मैं उड़ीसा से हूँ। और मैं आपकी रूममेट हूँ। ये मेरा एक रूममेट है और दो रूममेट ऊपर। हाँ हमारा कुक है मम्मी। ओके बाय। मैं चलती हूँ और कुछ दिखा के आती हूँ फिर। खत्म करके आना। हाँ हाँ यस बाय बाय। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको जो ये वाइट वाला चीज़ दिख रहा है ना घर जैसा, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर तो लगता है, पर यहाँ पर सिक्योरिटी अंकल बैठे रहते हैं। अभी नहीं है, अभी सब कहीं पर गए हैं घूमने का, खाने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए। पर यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी अंकल बैठे रहते हैं। और जब ना कुछ मतलब एक घंटा हुआ, मतलब अभी ना 8 बजा या 4 बजे का ना, तब वो 4 बार बेल बजाते हैं कि 4 बज गया है, टुंग 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 टुंग। और कुछ ऐसा है, स्टाफ क्वार्टर, डायरेक्टर क्वार्टर, गेस्ट हाउस इस तरफ का है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर पार्क भी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि आगे पार्क है। मैं किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी, कैंपस टूर में आपको दिखाऊंगी पार्क के। हाय सीआर, हमारी क्लास की सीआर आ गई। हाय सीआर, रुको मैं पास जाती हूँ। हमारे ब्लॉग में आपको स्वागत है। धन्यवाद। हमारी क्लास की सीआर, आप लोग समझ ही गए होंगे कि सीआर के साथ क्या ही होता है क्लास में दौड़ दौड़ के। यही वो प्राणी है जो हमारे लिए कुर्बान हो रहा है। ओके हमारा भी वक्त आएगा जल्दी। हाँ हर कुत्ते का दिन आता है। हाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है कैंपस। कैंपस बहुत ही बड़ा है और आगे बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ तक ही ब्लॉग करती हूँ क्योंकि मेरा जो हॉस्टल वाला ब्लॉग है यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आपको कैंपस टूर बाद में बताऊँगी कि कैसा है कैंपस, क्या क्या है कैंपस में, और मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। और क्लासेस वगैरह अभी ना हमें सूट करने के लिए मतलब मना किया गया है कि मत करना, पर बाद में हमें जब परमिशन मिल जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा रूम और हॉस्टल वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय।